हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ड्रामेटिकली योर्स। तो आज हम देखेंगे समर स्ट्राइक की एपिसोड 2। चलिए बढ़ते हैं एपिसोड की तरफ। एपिसोड की शुरुआत में ही हम देखते हैं कि योरुम जो एंगुक में अभी अभी आई है, वो अपने आसपास के नज़ारे देखती है, कैसे मार्केट है, कैसे लोग हैं, और उसको नई चीज़ें बहुत अच्छी लगती है। और फिर वो पहुँचती है लाइब्रेरी, जहाँ पर वो एक दो बुक्स भी देखती है और फिर वो किसी को स्पॉट कर लेती है वहाँ पे। एक्चुअली वो हमारा मेन लीड अनदेबम है, जो कि लाइब्रेरी में काम करता है, लाइब्रेरियन का। वो एक्चुअली कुछ बुक सॉर्ट करता होता है, क्योंकि एयरूम उसे पीछे से देखती है और उसके थोड़े लंबे बाल है, वो एज्यूम करती है कि वो एक फीमेल है, इसीलिए वो उसे उन्नी कहकर पुकारती है और पूछती है उससे कि क्या वो उसे बता सकता है कि यहाँ पे रियल एस्टेट एजेंसी कहाँ पे है। जैसे ही अनदेबम उठता है, योरुम थोड़ी एम्बेरस हो जाती है, क्योंकि उसने उसको उन्नी कहा जबकि वो उप्पा है, और फिर वो एम्बेरसमेंट के कारण वहाँ से भाग जाती है। और हमारा अनदेबम एक्चुअली कुछ भी नहीं कहता, वो देखता ही रहता है। फिर योरुम बाहर आती है, और बाहर आते ही बच्चे जो है आपस में खेल रहे होते हैं लाइब्रेरी के सामने, और उनका बॉल योरुम के सामने आ जाता है और वो उन्हें उसे आजुमा कह के बुलाते हैं और उसे बॉल पास करने के लिए कहते हैं। योरुम उन्हें समझाने जाती है कि वो आजुमा नहीं है, लेकिन बच्चे कॉन्स्टेंटली उसको कहते हैं कि वो बॉल को किक करे। और जब वो बॉल किक करती है, अनदेबम जो उसकी मदद करने के लिए लाइब्रेरी से बाहर आ रहा था उसकी तरफ, वो बॉल उसके सिर पे हिट करती है और वो गिर जाता है, एम्बैरेसमेंट नंबर 2 हो जाता है। और इन सबके बीच भी अनदेबम जो है उसको एक चिट्ठी पकड़ाता है, जिसमें एक्चुअली उसने पूरे अंगों का एक बेसिक मैप डाल के दिया होता है कि इम्पॉर्टेंट चीज़ें, दुकानें या फिर एजेंसीज, हॉस्पिटल्स, क्या क्या है, वो सब उसने मार्क करके दे दिया होता है एक मैप की तरह योरुम के रेफरेंस के लिए। हाउ स्वीट ना। मैं आपको बता दूँ, अब तक अनदेबम ने एक वर्ड भी अपने मुँह से नहीं निकाला है। ही इज़ ओनली हेल्प्ड हर, और बिना किसी डायलॉग के ही वो उसे हेल्प कर देता है। वो चिट लेके योरुम जो है वहाँ से निकल जाती है। जैसे वो चल रही होती है, उसका शू जो है वो टूट जाता है, इसीलिए वो गम लेने के लिए जो है कन्वीनियंस स्टोर की तरफ जाती है, जहाँ पे संगमिन जो है अपने किसी कस्टमर से बात कर रहा होता है। और तभी योरुम वहाँ पे आती है और उसे पूछती है कि गम कहाँ पे मिलेगा, और वो उसे डायरेक्ट कर देता है कि वो वाले रैक में देखो। जब वो रैक में ढूंढ रही होती है, वो देखती है कि एक हाई स्कूल स्टूडेंट भी वहाँ पे होती है। ये हमारी यू नो सेकंड लीड बोल सकते हैं, ये किमबोम का कैरेक्टर है, जो कि एक हाई स्कूल स्टूडेंट है। वो एक्चुअली कुछ वहाँ से ना चोरी कर रही होती है। योरुम देखती ज़रूर है, लेकिन कुछ रिएक्ट नहीं करती। फिर वो संगमिन को गम के पैसे देके वहाँ से निकल रही होती है, तभी जो है डिटेक्टर यू नो बीप करने लगता है, और संगमिन उससे गलत फैमिली हो जाती है कि इसने कुछ चोरी किया है। और फिर वो उसके बैग को निकाल के सारे आइटम्स निकालने लगता है कि उसने कुछ चोरी किया है, इसलिए वो थरली चेक करता है। योरुम कहती है कि उसने कुछ भी नहीं किया है, लेकिन फिर भी वो फिर से चेक करता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलता। फाइनली उसे दिखता है कि किसी चीज़ का जो किसी आइटम का स्टिकर जो है उसके बैग पर लगा था, जिसकी वजह से डिटेक्टर ने बीप किया। ये सब होने के बाद योरुम वहाँ से निकलती है, अगले स्टॉप पे जाती है, जो कि है रियल एस्टेट ऑफिस, और वहाँ का एजेंट जो है उसे घर दिखाने ले जाता है। वो अलग अलग टाइप के घर दिखाता है, कुछ अथरंगी सा, लेकिन योरुम को कुछ पसंद नहीं आता। जो पसंद आता है उसके प्राइस थोड़े बड़े होते हैं। एकदम टूटे फूटे घर ही वो दिखाता है, और फाइनली जाके वो उसे बिलियार्ड हॉल दिखाता है, जो कि एक्चुअली एक घर नहीं है, एक यू नो ऑफिस प्लेस हुआ करता है, लेकिन वो घर बना सकते हैं, एकदम स्पेशियस है। और वो उसे कहता है कि वो पूरा बिल्डिंग ही रेंट कर सकती है, रूफटॉप भी है, और रेंट भी बहुत कम होगा। अगर उसे पसंद है तो फिर वो ओनर से बात करके डील करवाएगी करके। योरुम को एक यू नो फायदेमंद डील नज़र आता है, क्योंकि रेंट का प्राइस बहुत कम होता है, इसीलिए वो हाँ कहती है। और यहाँ पे रियल एस्टेट एजेंट जो है वो हॉल बिलियर्ड हॉल के ओनर के पास जाता है, जो कि होता है संगमिन का बाप। एजेंट उसे बताता है कि सोल से एक लड़की आई है जिसको रहने के लिए जगह चाहिए, और मैंने आपका बिलियर्ड हॉल सजेस्ट किया है, क्या आपको ओके है तो हम डील साइन करते हैं। तभी हॉल के ओनर जो है वो कहते हैं कि अगर उसे पता चलेगा कि वहाँ पे क्या इंसिडेंट हुआ है, तो फिर वो वहाँ पे रहने से मना कर देगी ना शायद। तो ऐसे सारे कॉन्टेम्पलेशन करके वो फाइनली एक डील पे आ जाते हैं कि
ओनर जो है डिसाइड करते हैं कि वो लेंड करेंगे योरम को घर, एंड फिर ये डील होने के बाद वो स्टोर के बाहर आ रहे होते हैं, तभी संगमिन वहाँ पे आ जाता है और चौंक जाता है कि कौन से यू नो बिलियर्ड हॉल का तुम डील कर रहे हो, क्योंकि एक्चुअली संगमिन ने जो है वो बिल्डिंग को बेचने का प्लान बना लिया होता है, वो एक्चुअली एक डील भी साइन करने वाला ही होता है अपने नेबर्स के साथ जो कि वो बिल्डिंग को ख़रीदना चाहते हैं, और लिए वो अपने पापा से कहता है कि वो ये हॉल रेंट पे ना दे, रादर वो उसे बेचने दे, लेकिन उसका बाप नहीं मानता और वो रेंट पे देने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ योरम जो है बिल्डिंग को एक्सप्लोर करती रहती है और तभी रात हो जाता है, और जब वो रूम में आती है बिल्डर मेन रूम में, तभी वो देखती है कि कोई वहाँ पे झाड़ू मार रहा होता है और वो उसे देख के चौंक जाती है। ये वही लोग हैं जिन लोगों को संगमिन ने एक्चुअली बिल्डिंग बेचने का डील किया रहता है, उनको भी नहीं पता है कि ये रेंट पे रहने वाली है, तो यहाँ पे एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है और भसड़ मच। फिर वहाँ पे संगमिन और रियल एस्टेट एजेंट आ जाते हैं, पूरी सिचुएशन समझाते हैं, और फिर जो लोग वो खरीदने वाले थे वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। वो लोग एक तरफ से यूरोम की तरफ एक नेगेटिव एटीट्यूड लेकर चले जाते हैं, क्योंकि उनका जो आइडिया था कि वो बिल्डिंग लेने वाले थे वो फेल हो गया है, इसीलिए वो उसको दोषी मानते हुए उस नज़रिए से देखते हुए चले जाते हैं। स्पेशली वो जो आजुमा है उसको यूरोम फूटी आपनी बाती और वो गुस्से से वहाँ से चली जाती है, ऊपर आ जाता है और फिर वो झगड़ा करना शुरू करता है और योरम से सजेस्ट करता है कि वो यहाँ से निकल जाए, ये हॉल जो है उसके रहने लायक नहीं है। ऊपर से वो उसे इंसिडेंट भी बताता है कि ये हॉल इसीलिए बंद पड़ा है क्योंकि साल पहले किसी की यहाँ पे मौत हो गई थी, इसीलिए तब से लेकर अब तक ये बिल्डिंग खाली है। रियल एस्टेट एजेंट उसे टोकता है और ये सुनते ही योरम जो है थोड़ी चौंक जाती है कि ये इंसिडेंट उसने उसे क्यों नहीं बताया एजेंट ने। थोड़ा चिलम चाटे के बाद रियल एस्टेट एजेंट जो है योरम से कहता है कि इस बिल्डिंग का रेंट आपको महीने के लिए सिर्फ $50 है, और ये सुनते ही योरम के लिए तो ये बहुत अच्छा डील है क्योंकि वो सब कुछ क्विट करके आ चुकी होती है, उसके पास बहुत कम पैसे बचे हैं, इसीलिए वो ये डील एक्सेप्ट कर लेती है फाइनली संगमिन के लाख मना करने के बावजूद। संगमिन यहाँ पे थोड़ा पेस्ट है क्योंकि वो चाहता था कि योरम यहाँ से जाए, ये डील ब्रेक हो सो दैट उसका ओरिजिनल डील हो जाए। फिर हम देखते हैं कि योरम जो है फाइनल कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है और उसी रात से वो हॉल में रहने के लिए आ जाती है क्योंकि उसके पास तो कोई और जगह है नहीं। वॉर्न कर देता है कि जो भी रिपेयरिंग का काम है बिल्डिंग में, जो भी उसको इवेंचुअली प्रॉब्लम्स आएंगी पानी का, प्लम्बिंग का या जो भी, वो सब वो खुद ही सॉल्व करेगी क्योंकि वो तो उसे हेल्प नहीं करने वाला है। योरम ठीक है कह के वहाँ से चली जाती है। योरम जो है हॉल में पड़े हुए एक सोफे पर बैठ कर अपना लैपटॉप खोलती है और उसमें कुछ लिखना चालू कर देती है। वो एक्चुअली बताती है हमें कि कैसे अपना जॉब क्विट करने के बाद उसने 2 दिन तक कुछ भी नहीं किया, सिर्फ अपने बेड पर पड़ी रही, और जब वो सोच रही थी कि वो आगे क्या करे उसको कुछ भी नहीं सूझ रहा था, उसे बेसिकली कुछ नहीं करने का मन था, और फिर उसने डिसाइड किया कि वो सब कुछ छोड़ के एक नया फ्रेश स्टार्ट करेगी, और तब जाके उसने अपनी सारी घर की चीज़ों को बेचा और अपने ढेर सारे कपड़ों में से सिर्फ जो इम्पोर्टेंट थे वही लिए और सारे सामान को एकदम थोड़ा थोड़ा करके लिया सो दैट एक बैग में वो सारे फिट हो जाए, और बाकी सारी चीज़ों को बेच कर वो अंगों के लिए आई थी। अगले दिन सुबह योरम जो है लाइब्रेरी जाती है और वहाँ पर पूछती है कि लाइब्रेरी की मेम्बरशिप के लिए क्या करना होता है। जियो उसे प्रोसेस बताती है और फिर अंधे वो उससे फॉर्म फिल करवाता है और उसका एक अजीबोगरीब फोटो खींच के उस पर पेस्ट करके उसको आईडी कार्ड दे देता है। फिर वो अपना बैग एक टेबल पर रख के बुक्स लेने के लिए रैक की तरफ जाती है और तभी वहाँ पे किम्बोम आती है। टेबल पे योरम का बैग होता है, किम्बोम वो टेबल से उसका बैग निकाल के किसी और टेबल पर रख देती है और खुद जाके वहाँ पर बैठ जाती है। योरम ये देखती है और वो आती है और फिर टेबल पे पड़े हुए फ़ोन को लेके किम्बोम के पास आती है। एक्चुअली क्या हुआ होता है, उन दोनों का फ़ोन एक्सचेंज हो गया होता है बिकॉज दे हैव द सेम फ़ोन। जब वो बोमी की तरफ आती है और उससे बोलने की कोशिश करती है कि फ़ोन एक्सचेंज हुआ है, लेकिन बोमी उसे बोलने नहीं देती, इंस्टेड वो बोलने लगती है तुम जो पहले टेबल पे बैठी थी वो मेरा टेबल है, इसलिए मैंने बैग हटाया, आगे से इस टेबल पे मत बैठना। वो उसे कुछ भी रिस्पॉन्ड
करने ही नहीं देती है, और फिर योरुम जो है वहाँ से चली जाती है क्योंकि उसको बोलने का मौका ही नहीं मिलता। आती है और अपने फ़ोन पे फ़ोन लगाती है। बोमी के पास जो फ़ोन था वो फ़ोन रिंग होने लगता है और तभी बोमी उसे उठाती है और बात करती है, और सामने से योरुम बोलती है कि तुम बाहर आओ। बोमी को समझ में नहीं आता कि किसने फ़ोन किया। वो बाहर आती है और देखती है योरुम वहाँ पर खड़ी है, और फिर योरुम उसे बताती है कि उन लोग का फ़ोन एक्सचेंज हुआ था, और जब वो फ़ोन के बारे में बोलने की कोशिश कर रही थी उसने उसे रिस्पॉन्ड नहीं किया। एकदम रूडली उसको रिप्लाई करके स्नैप करते हुए वहाँ से चली जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है एक रेस्टोरेंट पे। एक्चुअली ये लोकल रेस्टोरेंट है, ये उन्हीं लोगों का रेस्टोरेंट है जो लोग बिलियार्ड हॉल खरीदने वाले थे। सो यहाँ पे योरुम जो है लंच खाने के लिए आती है। जो आजुमा होती है उसको वैसे ही योरुम पसंद नहीं है, वो उसे देखते ही समझ जाती है वही लड़की है जिसके वजह से हमारा डील रुक गया है। तो वो एकदम रूडली ट्रीट करती है, उसको इग्नोर करती है। योरुम जो है पोलाइटली उसे अपना ऑर्डर देती है और वो पीने के लिए सोजू भी ऑर्डर करती है। योरुम जो है सोचती है कि अब वो नई जगह पे आई है, लोग क्या कहेंगे इसके बारे में वो नहीं सोचेगी, और अपना जी भर के करेगी जो उसे करना है। और इसी ख्याल के साथ वो पीना शुरू करती है और दिन में ही ड्रंक हो जाती है। में जो भी लोग होते हैं, मतलब वो विलेज के जो भी लोग खाना खाने आए होते हैं, सब लोग बैठ के योरुम को जज करते हैं कि कैसे ये दिन दहाड़े पी के टुन हो गई है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कि योरुम जो है लाइब्रेरी में सोई रहती है। एक्चुअली हुआ क्या रहता है, जब वो दोपहर को पी के रस्ते में आ रही होती है, अंधे बुम जो बच्चों के साथ खेल रहा होता है उसे नोटिस करता है और उसकी मदद करते हुए उसको लाइब्रेरी में ले आता है। ये जियोंग और बुम दोनों ही होते हैं और सारे बच्चे भी उसके पीछे पीछे आ जाते हैं। योरुम को बिल्कुल होश नहीं होता, वो आके टेबल पे सो जाती है और सारे बच्चे उसके साथ खेलने लगते हैं। जियोंग बच्चों को बाहर भेजती है और फिर योरुम को उठाती है और उसे कहती है कि वो लाइब्रेरी के बाहर चली जाए और ऐसे दिन दहाड़े पी के वो यहाँ पे नहीं सो सकती। ऐसे कह वो अपने काम में लग जाते हैं। योरुम जो है वहाँ से निकलती तो है चलती हूँ बोल के, लेकिन वो लाइब्रेरी के बाहर नहीं जाती, वो रैक्स के पास चली जाती है और वहीं पे सो जाती है। उठती है तब एक्चुअली देर हो चुकी होती है, वो उठ के डोर की तरफ जाती ज़रूर है लेकिन लाइब्रेरी क्लोज हो चुकी होती है, सब लोग अपने अपने घर चले गए होते हैं। सोचती है कि वो लाइब्रेरी में स्टक हो गई है, पर तभी वहाँ पीछे से अंधे बम की एंट्री होती है। फिर वो उसे पीने के लिए पानी देता है, बाजू में बैठ जाता है। योरुम उससे पूछती है कि वो अब तक लाइब्रेरी में कर क्या रहा है, इसीलिए वो हंसता है और योरुम समझ जाती है कि वो उसकी वजह से ही वहाँ पे है, इसीलिए वो उससे माफ़ी मांगती है। और फिर देबम उसे बताता है कि अब कल सुबह ही वो यहाँ से निकल पाएगी क्योंकि अभी इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, कल सुबह इलेक्ट्रिसिटी आएगी 8 बजे और उसके बाद डोर खुलेगा और तब वो बाहर जा सकती है, इसीलिए तब तक वो आराम से यहाँ पे रेस्ट कर ले। तो ये सब जो है उसको एक नोटपैड में लिख के बताता होता है और योरुम जो है एज्यूम करती है क्योंकि ये बात नहीं कर रहा है इसका मतलब शायद ये गूंगा होगा। फिर अंधेबम अपने रूम में जाकर सोने वाला होता है और योरुम यहाँ पे सोने वाली होती है, लेकिन उसको रेस्ट रूम यूज़ करना होता है, इसीलिए वो रेस्ट रूम ढूंढते ढूंढते अंधेबम के रूम में जाती है और उस पर पैर रख देती है और फिर उससे पूछती है कि रेस्ट रूम कहाँ है। अंधेबम उसे कहता है कि रेस्ट रूम जो है लाइब्रेरी के बाहर है, इसीलिए वो अब नहीं जा सकती, कल सुबह ही जा सकती है। यहाँ पे योरुम को जो है अर्जेंटली वॉशरूम जाना होता है, इसीलिए वो सो भी नहीं पाती पूरी रात। जैसे ही सुबह होती है और लाइब्रेरी का डोर खुलता है, वो तुरंत वॉशरूम के तरफ जाती है। वो मेक श्योर करती है कि देवम उसे ना देखे, और जैसे ही वो वॉशरूम के बाहर आती होती है, देवम उसका वेट कर रहा होता है उसका बैग लेके। एक्चुअली वो अपना बैग लाइब्रेरी में छोड़ के गई होती है, इसीलिए देवम बैग लेके उसका वॉशरूम के बाहर वेट कर रहा होता है। योरुम ये देख के एम्बेरस्ड हो जाती है और भाग जाती है वहाँ से लाइब्रेरी के बाहर। देवम को कुछ समझ नहीं आता और वो भी उसके पीछे पीछे भागता है बैग लेते हुए। फाइनली हम देखते हैं कि देवम जो है अपने मुंह से कुछ शब्द निकालता है, वो उसे एक्सक्यूज मी कहते हुए उसके पीछे जाता है और उसको फाइनली बैग हैंड कर देता है कि आप अपना बैग तो लाइब्रेरी में भूल गई। उसको हिंट भी नहीं समझ आ रहा है कि वो उसे एम्बेरसमेंट में भाग रही है। योरुम बैग ले लेती है और टर्न अराउंड करके जाने लगती है और उसको सडनली रियलाइज़ होता है कि इसने तो बात किया, इसका मतलब ये गूंगा नहीं है जी। ये सब देख लेती है और फिर वो अंधेबम से पूछती है कि क्या वो सारा रात लाइब्रेरी में था बिकॉज ऑफ योरुम। वो अपना सिर हिलाते हुए हाँ कहता है और फिर योम जी उसे कहते हैं कि वो घर जाके फ्रेशन अप हो जाए और बाद में वापस आ जाए। और दूसरी तरफ हम देखते हैं योरुम जो है अपने घर के छत पे होती है और एकदम एम्बेरस फील कर रही होती है कि कैसे अंधेबम ने उसे वॉशरूम के बाहर देख लिया था और उनके प्रीवियस एनकाउंटर्स भी एकदम एम्बेरसिंग थे। फिर वो अपने आप को
झूठी तसल्ली देते हुए कहती है कि ये नया जगह है, कोई यहाँ पे जानता नहीं है एंड शी डजंट हैव टू लूज एनीथिंग, तो ठीक है चलेगा जो भी है। वो अपने आप को संभावना देती रहती है और यहाँ पे हम देखते हैं कि कोई उसे स्टॉक कर रहा होता है, यानी उसके बिल्डिंग के ऑपोजिट बिल्डिंग में कोई एक बंदा है जो उसे स्टॉक कर रहा होता है। हम नहीं जानते कि कौन है और वो क्यों उसे स्टॉक कर रहा है, वो हम जानेंगे अपने अगले एपिसोड पे। यहाँ पे हमारा सेकेंड एपिसोड ख़त्म होता है। तो अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसी कहानियाँ इंस्टेंटली अपलोड करती रहती हूँ और मुझे आपके सपोर्ट की बहुत बहुत ज़रूरत है। मिलते हैं हम अपने अगले एपिसोड में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ ड्रामेटिकली योर्स, बाय बाय।